फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनू। मेरे चैनल एमके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, और वो भी घर के सामानों से। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, 1 kg मैंने दूध लिया है, 400 ग्राम चीनी है, और 1 छोटी चम्मच ये बेकिंग सोडा है। अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम गैस को ऑन कर दिए हैं, अब कढ़ाई पे इसमें रख दिए हैं, और थोड़ा सा इसमें आप पानी पहले डालेंगे जिससे कि आपका दूध जलेगा, और दूध को भी इसमें आप डालें। और ये मेरा दूध 1 kg है। आप कोई भी दूध इसमें ले सकते हैं, पैकेट वाला हो या बिफेलो का दूध हो या काउ मिल्क हो, या दूध को उबाल के भी आप ठंडा करके फिर से इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमको इसको दूध को उबालना ही है, और इसको इस हमको अच्छे से इसको उबाल आने देना है। ये देखिए, मेरा दूध उबल चुका है, और कच्ची की सहायता से इसको चला लीजिए। जो चारों तरफ आपका जो मलाई लगा हुआ है, इसको निकाल के इसी दूध में आप डाल दें, और उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे, और चीनी को भी डाल के इसको अच्छे से और चलाएं। चलाते रहें जब तक आपका चीनी इसमें दूध में अच्छे से घुल ना जाए, नहीं तो नीचे कढ़ाही में आपको चीनी लग जाएगा। यहाँ देखिए, चीनी मेरा सारा घुल चुका है दूध में, और इस दूध को हमको इससे आधा हमको इसको करना है, और ये जब चीनी डालने से ये थोड़ा आपको गाढ़ा हो जाए और पीला कलर का आपको दिखने लगे, तब ये समझे कि मेरा शुरू हो चुका है कंडेंस मिल्क बनना। और इसको आप धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहें, गैस को और मीडियम फ्लेम पे कर दें, और इसको आप चलाते रहें जिससे कि कढ़ाई में आपके ये कंडेंस मिल्क चिपके ना। ये देखिए, मेरा दूध उबल उबल के आधा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है, और इसको हमें और गाढ़ा करना है। ये देखिए, मेरा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है और कितना गाढ़ा हुआ है। और आपको ये पता कैसे चले कि ये कंडेंस मिल्क तैयार, तो एक स्पैचुला लें और इसमें इसको डाल के इसको उल्टा करें। ये देखिए, इससे कोट आपको पता चल जाएगा कि मेरा कंडेंस मिल्क तैयार हुआ है। और गैस को अब इसमें ऑफ कर दें। अब इसमें आप 1 छोटी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा नाकाते डालें, और इसको अच्छे से चला लें। गैस ऑफ करके ही इसमें आप बेकिंग सोडा डालें जिससे कि आपका ये कंडेंस मिल्क लाल ना हो। और इसके देखिए, मिल्क तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मेरा कंडेंस मिल्क तैयार हो चुका है। अब आप कहेंगे कि इसको यूज़ क्या क्या चीज़ में इसको हम कर सकते हैं, तो इसको आप यूज़ कोकोनट लड्डू में, आप पीनट लड्डू में, बर्फी में, और ये लौकी के बर्फी में, गाजर के हलवा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें इसको रख के आप फ्रिज में 1 मंथ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।